आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर महंगाई के चलते लोगों के आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने जून के शुरुआत में पेट्रोल और डीजल में राहत दी थी, लेकिन उसके बावजूद महंगाई लगातार बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट माल भाड़ा कम करने को राजी नहीं है, इसके चलते महंगाई काबू से बाहर हो रही है। लोगों के हालात मौजूदा समय में इतने खराब हो चुके हैं कि घर का खर्चा उठाना भी भारी हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी फिलहाल यूपी के वायदा बाजार में सरसों का तेल महज 160 रुपये प्रति लीटर है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के दौरान सरसों के तेल के रेट में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं यूपी के तेल तिलहन बाजार में बता दें एक बार फिर सरसों के तेल के रेट लगातार तीसरे दिन कानपुर में सर्वाधिक 180 रुपये प्रति लीटर पर खुले हैं, जबकि 22 जून को सरसों के तेल का सर्वाधिक रेट अंबेडकर नगर में 169 रुपये प्रति लीटर था। इससे पहले 20 और 21 जून को सरसों का तेल गाजियाबाद में 165 रुपये प्रति लीटर था। वहीं उससे पहले लगातार 5 दिन कानपुर में 180 रुपये प्रति लीटर था। इस तरह उससे पूर्व 2 दिन हमीरपुर में 169 रुपये, वहीं 1 जून से 12 जून तक कानपुर में 180 रुपये लीटर पेट्रोल था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।